दिवाली हो या फिर होली, बिना शक्करपारे के दोनों ही अधूरी लगती है। तो आज मैं लेके आई हूँ शक्करपारों की रेसिपी एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट्स के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक भगोला लेंगे, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये एक कप शक्कर है, चीनी, उसके साथ साथ हम एक कप पानी डालेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने कौन सा कप यूज़ किया है सभी चीज़ों को मेज़र करने के लिए। मैंने यहाँ पर ये वाला कप, ऑरेंज कप यूज़ किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप तेल। तो ये सेम कप आपको सभी चीज़ों को मेज़र करने के लिए रखना है, बार बार चेंज नहीं करें कप। और कोई भी चीज़ हम एक ही कटोरी से मेज़र करेंगे तो कटोरी का जो शेप है ना वो इवन होना चाहिए, मीन्स ऊपर से बड़ा नीचे से छोटा वैसा नहीं होना चाहिए। और इसे हम गरम करने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। देखिए इसे जो है आपको गरम कर लेना है, और जब आपको लगे कि जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है तब आप गैस जो है बंद कर दे और इसे साइड में रख दे ठंडा होने के लिए। इसे हमें हल्का गुनगुना होता है ना तब यूज़ करना है। तो ये अभी काफ़ी गर्म है इसलिए इस तरह चलाते हुए इसे ठंडा कर ले, या फिर इसे साइड में 10 मिनट के लिए छोड़ दे ताकि ये ठंडा हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे कि हमारे डो के लिए आटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 कप आटा लिया, वही ऑरेंज कप यूज़ किया था मैंने। तो मैंने आटे को भी मेज़र करने के लिए यही कप यूज़ किया है। वैसे मैं बता दूं मैंने यहाँ पर रिफाइंड फ्लावर यूज़ किया है जिसे मैदा कहते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ 1/2 कप सूजी, बारीक वाली सूजी है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून जितना आपको इसमें सॉल्ट डाल लेना है। कोई भी मीठी चीज़ में जब आप थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं ना उसका टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाता है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने तेल, पानी और चीनी का मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे। ये अभी हल्का गुनगुना है और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे पहले स्पून से। आप स्टार्टिंग में ना हाथ से मिक्स नहीं करें क्योंकि इसमें चीनी है और तेल है तो बहुत चिकना और चिपचिपा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारा है ना जो चीनी का पानी था वो इसमें डाल दिया है और एक बार अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट्स है, ना तो इसमें पानी बचेगा ना ये डो गीला होगा। और इसी परफेक्ट मेज़रमेंट्स के साथ अगर आप बनाएंगे तो शक्करपारे जो है बिल्कुल परफेक्ट खस्ता क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए डो लग के रेडी है। अब इस डो को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए नीड किया और इसे ढक कर हम साइड में रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। तो आफ्टर 1 आवर ये देखिए डो जो है थोड़ा सा टाइट हो जाता है पहले से, क्योंकि जो चीनी थी वो वापस अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाती है क्योंकि जब हमने डो लगाया था वो गर्म था। अब एक बार फिर से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए नीड करेंगे और फिर इसमें से एक छोटा सा पोर्शन इस तरह से ले लेंगे और एक स्मूथ पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। जो पेड़े की साइज़ रहेगी वो नॉर्मल, मतलब बड़ी रहेगी, बहुत छोटी नहीं रहेगी। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए मैंने यहाँ पर ना चॉपिंग बोर्ड यूज़ किया है और इसकी जो थिकनेस रहेगी ना वो 1/2 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखनी है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाए क्योंकि जितने ज़्यादा मोटे अगर आप बनाओगे तो वो शक्करपारे ना फिर थोड़े कड़क बनेंगे। अब साइड्स जो है मैं कट कर लेती हूँ ताकि हम स्क्वायर पीसेस कट कर सके शक्करपारों के लिए। और जितना थिकनेस अभी आप रखेंगे जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो और डबल हो जाएगी। तो इस तरह देखिए मैं छोटे छोटे पीसेस ही कट कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़े शक्करपारे नहीं बना रही हूँ। तो आपको देखिए मैं पास में से भी दिखा देती हूँ कि मैंने शक्करपारों की जो थिकनेस है वो कितनी रखी है। तो इसी तरह पहले आप सारे शक्करपारे बनाकर एक प्लेट में रख ले, फिर एक साथ आप इसे फ्राई कर सकते हैं या फिर साइड में बेलते रहे और फ्राई करते रहे। अब इसे फ्राई करने के लिए ना ऑयल जो है ना वो मीडियम हॉट होना चाहिए। जैसे आप डो का छोटा सा टुकड़ा डालते हैं इसके साइड से अच्छे खासे बबल्स आते हैं, बट डो ऊपर आने में मीन्स कम से कम 7 से 8 सेकंड लगाता है। तो मीन्स हमारा ये तेल जो है वो अच्छा गर्म है। ठंडे तेल में अगर आपने ये शक्करपारे डाल दिए ना सारे के सारे बिखर जाएंगे, और बहुत ज़्यादा अगर गर्म तेल रहा तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और इसके ऊपर कलर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी मीन्स ब्राउन हो जाएगा, तो अंदर से कच्चे रहेंगे, थोड़े से चुई टाइप भी हो जाएंगे। तो एक बार में शक्करपारे जितने आते हैं उतने ही डालें, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है। तेल में शक्करपारे डालने के बाद ना आप इसे 2 से 3 मिनट नहीं छेड़े। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैं स्पून से डाल रही हूँ शक्करपारे ताकि तेल के छींटे नहीं लगे मेरे हाथ पे।
तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट बाद जब शकरपारों का कलर इस तरह से देखिए सफ़ेद सा हो जाता है, उसके बाद इस तरह लगातार चलाते हुए जो है आप इसे सेक ले, मीन्स फ्राई कर ले, क्योंकि क्या होता है शकरपारे हैवी रहते हैं तो वो नीचे बेस में जाके चिपक जाएंगे, तो उसके ऊपर ना इस तरह से ब्राउन स्पॉट्स आ सकते हैं अगर आप इसे नहीं इस तरह से टर्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टर्न करते हुए मुझे आराम से हो गए हैं 7 से 8 मिनट और ये अच्छा कलर आ गया है इसके ऊपर, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ये। और जब आप इसे निकालेंगे तेल से बाहर तो उसके बाद थोड़ा सा कलर जो है और डार्क हो जाता है, तो मुझे इतना ही कलर पसंद है तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं, आपको इसे स्ट्रेनर में या फिर कोई टिश्यू पेपर पर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वे में आप दूसरा बैच फ्राई कर लें। एक बैच को ना फ्राई होने में आराम से 10-12 मिनट लग जाते हैं। तेल में से जैसे ही आप बाहर निकालेंगे और खाएंगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन ये जैसे ही ठंडे होंगे तो ये क्रिस्पी और खस्ता हो जाएंगे। इस शकरपारों को आप आराम से 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये वैसे के वैसे ही टेस्टी और खस्ता रहते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को हिट करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।